सवाल बहुत छोटा है बट आंसर्स काफी सारे हैं। इंडियन या इम्पोर्टेड? गाइस आज हम बात करेंगे कि जब आप जिम इक्विपमेंट्स परचेज करने जाते हैं तो आप क्या लेना पसंद करते हैं, इंडियन और इम्पोर्टेड। बट इस एक चॉइस से फर्क क्या पड़ता है? होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। जब आप एक इम्पोर्टर से जिम इक्विपमेंट्स परचेज करते हैं तो इस ट्रांजैक्शन में काफ़ी सारे लोग अर्न करते हैं, द ओनर हिमसेल्फ हरसेल्फ, उनकी पूरी टीम, सेल्स टीम, मार्केटिंग टीम, आफ्टर सेल्स टीम, क्लीनिनेस एंड मेंटेनेंस स्टाफ, अकाउंट्स पर्सन, सिक्योरिटी। बट द मेजॉरिटी चंक ऑफ द अर्निंग इज अर्न बाय चाइना, कोरिया, यूरोप और यूएसए, जहाँ से इम्पोर्टर्स जिम इक्विपमेंट्स एक्चुअल में परचेज करते हैं। दूसरे सिनेरियो में जब आप एक मैन्युफैक्चरर से जिम इक्विपमेंट्स परचेज करते हैं तो ये 8 डिपार्टमेंट्स तो अर्न करते ही हैं जो सेम डिपार्टमेंट्स इम्पोर्टर्स के पास होते हैं, जैसे उसका ओनर हो गया, सेल्स, आफ्टर सेल्स, मार्केटिंग, सेम 8 डिपार्टमेंट्स तो अर्न करते ही हैं। उसके अलावा एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास उससे कहीं गुना ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे फैब्रिकेटर्स, ऑपरेटर्स ऑफ मेनी मशीन्स लाइक ट्यूब लेजर, शीट लेजर, ट्यूब बेंडिंग, शीट बेंडिंग, शॉर्ट ब्लास्टिंग, पाउडर कोटिंग, फिटिंग टीम और स्टोर डिपार्टमेंट। एंड देन उसके बाद जिम मशीन्स में 1000 से भी ज्यादा टाइप्स के पार्ट यूज होते हैं, जैसे पाइप, शीट, क्रोम पार्ट्स, एल्यूमिनियम पार्ट्स, फोम, रेक्सिन, नट्स एंड बोल्ट्स, स्टिकर्स। एटलीस्ट 100 वेंडर्स आर अटैच्ड विद अ कंपनी, जिन सबके घर कभी कभी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से चल रहे होते हैं। तो ये डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको इंडियन लेना है या फिर इम्पोर्टेड। जब आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को चूज करते हैं, मानो आप देश की तरक्की कर रहे हैं, आप देश की आमदनी में कितना योगदान दे रहे हैं। ऐसा क्यों है कि पूरे देश की इकोनॉमी ऑटोमोबाइल सेक्टर पर टिकी हुई है और ऑटोमोबाइल सेक्टर की सेल्स डाउन होने पर पूरे देश की इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ता है। जब आप टाटा या महिंद्रा से कोई कार परचेज करने जाते हैं, आपको लगेगा कि ये कंपनी ही बेनिफिट कर रही है इस ट्रांजैक्शन से, बट एक्चुअल में ये कंपनी इतनी और कंपनी से जुड़ी होती है, इनकी एक पूरी सप्लाई चेन जुड़ी होती है, रॉ मटेरियल वेंडर्स, आपके स्पेयर पार्ट सप्लायर्स, लॉजिस्टिक्स, ये सभी कंपनियों को पूरा बेनिफिट होता है। एक कार में करीबन 3000 पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट को बनाने के लिए एक पूरी कंपनी जुटी होती है जो ये चाहती है कि महिंद्रा और टाटा को बेस्ट सामान मिले, बिल्कुल कम दाम में और बिल्कुल जबरदस्त क्वालिटी में। सो गाइस, फिटनेस इक्विपमेंट इंडस्ट्री अभी अपने स्टार्टिंग फेज में है और ये कहीं गुना ज्यादा आगे बढ़ने वाली है। अभी लेस देन 5% लोग वर्कआउट करने जाते हैं। जल्द ही जब ये परसेंटेज 20% के अराउंड होगा तो इंडिया में काफी सारे जिम इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये डिसीजन आपका है कि आपने अपनी देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है या दूसरे देशों की। और गाइस, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि आप आंखें बंद करके क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करके इंडियन जिम इक्विपमेंट्स खरीदें। आप अपना पूरा सेटिस्फेक्शन करें और आप पूरी तसल्ली से डिसीजन लें। एंड गाइस, इंडियन जिम इक्विपमेंट्स में अब बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो गई है। आप रेफरेंस के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें हमने इंडियन प्रोडक्ट्स को चाइनीज प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर किया है। अगर महिंद्रा और टाटा बढ़िया गाड़ी बना रहे हैं तो MG लेने की जरूरत ही क्या है। एंड गाइस, वी वॉन्ट टू शेयर वन एक्साइटिंग न्यूज विद यू। वी हैव स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग आवर प्रोडक्ट्स आउटसाइड इंडिया। We are now their original equipment manufacturer. We hope इस वीडियो की शुरुआत में जो एक सवाल पूछा था आपसे, अब उसकी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। And guys, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है importance of gym brand. So guys, subscribe to this channel and see you until next time. Bye bye.